हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। आज हम साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाले हैं, जो कि स्पेशली व्रत में बनाई जाती है। और जैसे मैंने बनाई है, बिल्कुल वैसे ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी, चिपकी हुई बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं साबूदाने की खिचड़ी। चलिए इंग्रीडियंट्स देखते हैं हम साबूदाने की खिचड़ी के। 1 कप साबूदाना। तो मैंने ये साबूदाने को 45 मिनट्स के लिए भिगा दिया था, क्योंकि ये थोड़े बड़े दाने हैं, इसलिए इनको मैंने 45 मिनट्स के लिए भिगा दिया। और अगर आपके पास छोटे दाने हैं इसके, तो आप हाफ एन आवर के लिए भी भिगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने पानी जो है इसका स्ट्रेन कर लिया है। ओके, तो ये ऐसे अलग अलग हो गए हैं। एंड पीनट्स 1/2 कप, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, जीरा 1 टीस्पून, हरी मिर्च 1। तो ये आप स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल 2 टीस्पून, 1 आलू एंड थोड़ा सा पानी चाहिए हमें, 1/4 कप पानी लेंगे हम, इन्हें थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए ही हमें पानी चाहिए है। ओके, तो चलिए अब हम मिर्च और आलू को कट कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे हाफ स्लेट कर रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस कट कर रहे हैं, इसमें निकाल देते हैं। अब हम ये आलू कट कर लेंगे, तो मैं इसको छील लेती हूँ। इसे हम कट कर लेते हैं। तो मैं इसके जो पीसेस हैं वो थोड़े से थिन ही रखूँगी, पतले, जिसे आराम से जल्दी ये पक जाएं। ओके, ज़्यादा मोटे नहीं कट कर रही हूँ। ये भी हमने कट कर लिया, इसको भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन किया और ये पीनट्स भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे, इसको अच्छे से भुनेंगे। और ऐसा भी कर सकते हैं, जब तक आप भून रहे हैं तब तक आप आलू और मिर्च ये सब आप कट करके रख सकते हैं। कुछ रीजंस के कारण मैं एक साथ नहीं शो कर पा रही हूँ वीडियो में, तो नहीं तो हमेशा जैसे नॉर्मल हम घर में खाना बनाते हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ, एक तरफ मैं ये भूनती रहती हूँ और दूसरी तरफ मैं जो भी सब्जियाँ हैं या मिर्च है वो कट कर लेती हूँ। तो एक साथ काम हो सकता है कम टाइम में। और ये जो पीनट है मैं साबूदाना से आधे ही लेती हूँ क्वांटिटी में, क्योंकि उसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको कम लेना है आप कम भी ले सकते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने ये पहले से भून के रखा हुआ है। ओके, और इसके ऊपर से जो कवर है छिलके वो मैंने निकाल लिए हैं। इसको अब मैं ग्राइंड करूँगी। ठीक है, तो मैं इसमें डाल दूँगी और कुछ मैं ऐसे ही रखूँगी। ओके, थोड़े बहुत ऐसे ही डालने के लिए, और इनको मैं हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। हमें देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ओके, हल्का सा, थोड़े से चंक्स हैं इसमें टूटे हुए। एंड अब इनको जो है मैं पूरा साबुत नहीं रखना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे ही इसको डालना चाहते हैं साथ में तो डाल सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा हाफ स्लिप कर लेती हूँ इन्हें। ओके, इनको ऐसे करके मैं हाफ स्लिप कर लेती हूँ। देखिए, तो देखिए इसको हल्का सा क्रश कर लिया है मैंने। ओके, इसको इसमें निकाल लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये साबुदाना मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। ओके, और ये क्रश की हुई फली इसमें डाल रहे हैं पीनट, एंड ये ग्राइंड की हुई भी इसमें डाल रहे हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये मेरा तरीका है बनाने का। देखिए ऐसे कितने खिले खिले, ऑलरेडी ये ऐसे खिले खिले हो गए हैं। एंड मैं इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, एंड जब हम फ्राई करेंगे उसमें भी डालूंगी, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ पिंच। ओके, नमक तो आप स्वाद के अनुसार अपना डाल सकते हैं। तो मैं हाफ इसमें डालती हूँ एंड हाफ जब हम आलू भुनेंगे या कुक करेंगे तब डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है, अब इसको मैं रख रही हूँ साइड में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन लिया है, गैस ऑन कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल, अच्छे से गर्म होने देंगे ऑयल को। तो ऑयल हल्का गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, जीरा अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। ओके, तो ये फास्टिंग के लिए बना रही हूँ मैं, इसलिए इसमें सिर्फ मैं मिर्च और आलू ही यूज़ कर रही हूँ। तो
अगर आप फास्टिंग के लिए नहीं बना रहे तो आप इसमें सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं, गाजर मटर या धनिया पत्ती, सब चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, ये वेजी साबूदाना खिचड़ी, ये भी मैंने बनाई है आलू मक्का गाजर मटर ये सारी चीज़ें डाल के। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो का भी। ओके, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खिले खिले बने हैं ये भी। और ये देखिए, ये साबूदाने के बड़े या साबूदाने की टिक्की कलर्ड भी, ये भी मैंने बनाया है वीडियो, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बैक टू अवर वीडियो साबूदाने की खिचड़ी के। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका था और इसमें हमने भी जीरा डाला है। मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं लिमिटेड चीज़ें ही यूज़ कर रही हूँ। तो फास्टिंग में भी अपनी प्रेफरेंस होती है लोगों की, आप जो भी डालते हैं या खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। ओके, बना सकते हैं वैसा। जीरा हल्का हल्का सा स्प्लिटर हो रहा है। अब हम डाल रहे हैं मिर्च, मिर्च हल्की सी हो जाए तब हम डालेंगे ये कटे हुए आलू। और अब इन आलू में भी थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, मिक्स करते हैं। इसको ऐसे ढक के थोड़े देर पकाते हैं और इसी तरह ऐसे थोड़े देर फ्राई करेंगे, फिर थोड़ी देर ढक के आलू को इस तरह से अच्छे से कुक करेंगे। तो देखिए, 2-3 मिनट में ही हमारे आलू बहुत अच्छे से भुन गए हैं। और अब इसमें हमने ये जो साबूदाना और पीनट जो मिक्सचर रखा हुआ था, ये सबसे बड़ी ट्रिक है इसमें, अगर आप ऐसे करके रखेंगे तो वो कभी भी ऐसे चिपचिपे नहीं बनेंगे आपके साबूदाना। अब इसमें हम ये साबूदाना डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। वैसे वैसे ही कवर कर देते हैं और थोड़ा सा होने देते हैं। मैंने फ्लेम जो है मीडियम से थोड़ी लो कर दी है। और अब मैंने कहा था कि थोड़ा सा हम पानी लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे पानी, बीच बीच में ऐसे स्प्रिंकल करेंगे। इसे वापस से कवर कर देती हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपने मर्जी से, आलू आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं, मिर्च भी स्पाइस लेवल आपको जैसी चाहिए आप वैसे डाल सकते हैं। ओके, तो मुझे आलू बहुत पसंद है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ और पीनट्स भी। तो इस तरह थोड़े थोड़ी देर में तो ऐसे हल्का सा पानी का स्प्रिंकल करके फिर इसको एंड देन फिर इसको ढक के फिर पकाएंगे इस तरह से। ओके, देखिए हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया, ये जो साबूदाना वाइट से ट्रांसपेरेंट हो रहा है, मतलब ये अच्छे से भुन रहा है, कुक हो रहा है। और जैसे इसमें हमने जो पीनट्स हैं, फली दाना जो है उसका कवर निकाल दिया था, का छिलका निकाल दिया था, तो अगर आप नॉर्मल वैसे भी डालेंगे, जैसे कभी जल्दी होती है मुझे तो मैं उसका छिलका नहीं निकालती हूँ, बिना निकाले ही वैसे ही मैं इसको ग्राइंड करके डाल देती हूँ, तो भी टेस्ट वैसा ही अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। बस आपको जो ये कलर वाइट है, आपको हल्का सा पिंकिश कलर दिखेगा साबूदानी खिचड़ी का। ओके, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो गई, इसको हम प्लेट में निकालते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए इसके दाने देखिए कितने अलग अलग हैं, ये देखिए। आप इस तरह बनाएंगे तो कभी भी वो एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग दाने हैं, देखिए। इसमें आप ऊपर से लेमन जूस भी डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड ये है हमारे व्रत वाले साबूदाने की खिचड़ी। एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।